हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जियो का हाई स्पीड इंटरनेट एपीएन सेटिंग। जो कि अगर दोस्तों आपका भी ये एक जियो का सिम है और आपका इंटरनेट स्लो चल रहा है, जी हाँ, आप दोस्तों गेम वगैरह खेलते रहते हैं, ये यूट्यूब पर वीडियो देखते रहते हैं या इंस्टाग्राम चलाते रहते हैं, दोस्तों आपका इंटरनेट स्लो चलता है, तो इस वीडियो में दोस्तों हम आपको एक हाई स्पीड एपीएन सेटिंग बताने वाले हैं, जिससे दोस्तों आप ये सेटिंग करने के बाद आप दोस्तों अपने इंटरनेट का स्पीड काफी हाई कर सकते हैं। तो आप वीडियो को पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखते रहेगा। वीडियो को दोस्तों स्किप मत करिएगा, नहीं तो दोस्तों आप यहां पर अपनी ये प्रॉब्लम को आप सॉल्व नहीं कर पाओगे और दोस्तों हाई स्पीड इंटरनेट नहीं चला पाओगे। तो आप वीडियो को देखते रहिए, अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप सभी लोग को अपने मोबाइल के सेटिंग में जाना है। जी हाँ, अपने मोबाइल के मेन सेटिंग में दोस्तों आपको चले आना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे दोस्तों आप सेटिंग में आएंगे, सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको सिम कार्ड एंड मोबाइल डाटा का ऑप्शन मिलेगा। इस पर दोस्तों आपको एक बार क्लिक कर देना है। इस पर दोस्तों जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर अपनी सिम को दोस्तों आपको सेलेक्ट करना है। जैसे सेलेक्ट करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा एक्सेस पॉइंट नेम का, इस पर आपको एक बार क्लिक कर देना है। इस पर दोस्तों जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर दो डॉट दिखेगा, इस पर क्लिक करके आपको रिसेट एक्सेस पॉइंट्स पर आपको एक बार क्लिक कर देना है। यहाँ से आपको कर देना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इतना करने के बाद दोस्तों आपका पुराना वाला एपीएन दोस्तों आपको रिसेट हो जाएगा, आपको नया एपीएन सेटिंग आपको बनाना है। तो यहां पर प्लस वाले आइकन पर दोस्तों आपको एक बार क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं आपका एक फॉर्म खुलकर आ जाएगा, जो कि अब आपको दोस्तों यहां पर आपको नेम पर आपको एक बार क्लिक करना है और यहां पर दोस्तों आपको लिखना है, जी हां, ध्यान से देखिएगा, जियो। यहाँ पर जियो लिखने के बाद कैपिटल लेटर में आपको जियो लिखना है। जियो लिखने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको डाटा लिखना है। यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर डाटा लिखिएगा स्पेस करके, फिर दोस्तों यहाँ पर स्पेस करिएगा और यहाँ पर आपको मैक्स लिखना है। यहाँ पर जैसे दोस्तों आप मैक्स लिखेंगे, लिखने के बाद ओके पर आपको दोस्तों क्लिक कर देना है। इतना क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर एक और ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर दोस्तों आपको एपीएन का मिलेगा, इस पर आपको एक बार फिर से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको स्मॉल लेटर में जियो नेट लिखना है। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, स्पेस आपको नहीं डालना है दोस्तों, जियो नेट यहाँ पर आपको लिख देना है कुछ इस प्रकार का। लिखने के बाद आपको दोस्तों ओके पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको प्रॉक्सी मिलेगा, पोर्ट मिलेगा, इसको नॉट सेट ही रखना है। उसके बाद यहाँ पर यूजर नेम पर दोस्तों आपको एक बार क्लिक करना है। जैसे हम यूजर नेम पर क्लिक करेंगे यहां पर आपको दोस्तों लिखना है स्पीड जियो नेट। यहां पर दोस्तों कैपिटल लेटर में आपको स्पीड लिखना है, यहां पर जी हां एस कैपिटल लेटर में होना चाहिए, बाकी स्मॉल लेटर में यहां पर स्पीड और फिर उसके बाद जियो नेट। जी हां, यहां पर आप देख सकते हैं इसको जे को कैपिटल में करना है, जियो फिर उसके बाद नेट कुछ इस प्रकार का। स्पीड जियो नेट आप दोस्तों जैसे लिखेंगे आपको ओके पर आपको क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेगा यूज़र नेम के बाद यहां पर पासवर्ड मिलेगा, फिर उसके बाद सर्वर। पासवर्ड को आपको नॉट सेट रखना है, आपको सर्वर वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको दोस्तों www.google, जी हाँ गूगल लिखने के बाद दोस्तों आपको .com www.google.com आपको लिखने के बाद आपको ओके पर आपको क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद दोस्तों यहां पर आपको कुछ नहीं छेड़छाड़ करना है, यहां पर देख सकते हैं कुछ नहीं करना है। फिर उसके बाद दोस्तों ऑथेंटिकेशन टैब पर आपको एक बार क्लिक करना है, पीएपी और सीएचएपी पर आपको दोस्तों यहां पर क्लिक कर देना है। फिर एपीएन प्रोटोकॉल मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करके यहाँ पर सबसे नीचे वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। फिर एपीएन रोमिंग प्रोटोकॉल मिलेगा, इसको क्लिक करके सबसे नीचे वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। और दोस्तों यहां पर बैरियर का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको टाइप करके सबसे फर्स्ट वाले को अनटिक कर देना है। बाकी जितने भी दोस्तों आपको यहां पर देखने को मिलेंगे, जितने भी आपको दोस्तों यहां पर बैरियर आपको देखने को मिलेगा, सभी में आपको टिक कर देना है कुछ इस प्रकार का। यहां पर आप देख सकते हैं सभी में दोस्तों टिक करने के बाद आपको करना क्या होगा आपको हम बता दें। सभी को टिक करने के बाद दोस्तों आपको यहां से बैक आना है। जैसे बैक आ जाएंगे आपका दोस्तों एपीएन यहां पर पूरा कंप्लीट हो चुका है। यहां पर आपको सेव पर क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद दोस्तों अब आपको दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जियो डाटा मैक्स लिखा हुआ है, इस पर दोस्तों एक बार क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको एक बार बैक आना है। बैक आने के बाद अपने
मोबाइल को दोस्तों एक बार रीस्टार्ट कर देना है। जी हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे पावर वाली बटन आप दबाएंगे तो रीस्टार्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपको दोस्तों कुछ इस प्रकार का रीस्टार्ट कर देना है। रीस्टार्ट करने के बाद तब दोस्तों अपना नेट को यूज़ करिएगा, काफ़ी हाई स्पीड में आपका इंटरनेट चलने लगेगा। तो दोस्तों यही थी वीडियो अगर पसंद आ गए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आ रहे हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिलहाल दोस्तों वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।